हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं मैगी, वो भी एक अलग ट्विस्ट के साथ। और इस ट्विस्ट को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर मैं डाल दूंगी दो छोटे चम्मच घी। आप तेल डाल सकते हो। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कुछ वेजीज, प्याज। मैं सभी एक साथ डाल दूंगी। आपके घर पे जो भी वेजीज अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो। इसके अंदर अच्छे से डाल दीजिए। इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी वेजीज को हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है। सब्जी हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है, हल्की हल्की भुन गई है। अब इसको एक प्लेट के अंदर निकालेंगे। मैंने यहाँ पे सेम कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं 2 मैगी बना रही हूँ। तो तकरीबन 500 ml वाटर में ऐड कर दूंगी। हमारा गरम हो गया है। दोनों सैशे एक साथ नहीं डालेंगे मसाले के, पहले हम एक डालेंगे और एक डालेंगे हम अपना बाद में। अब इसके अंदर हम मैगी ऐड कर देंगे। इस तरीके से बीच में से तोड़नी है। दूसरा पैकेट जो है मसाले का, अब वो इस स्टेज पे डालेंगे। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी टमाटो सॉस। ये मैगी का मैंने टमाटो चिली सॉस लिया है। और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, जो कि ट्विस्ट है वो एंड में ही है। थोड़ा सा बटर डाल देंगे। चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। वेजीज हमने स्टार्टिंग में इनको सोते किया था, वो भी ऐड कर देंगे। जैसे मिक्स कर लीजिए। अब बनाएंगे इसके लिए हम बटर गार्लिक का तड़का, जो कि बहुत मेन है इस रेसिपी के लिए और इसको इतना डिलीशियस बना देता है कि आप जब भी मैगी बनाओगे इसी तरीके से मैगी बना के खाओगे। वेजीज ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। तड़के वाला पैन लेना है, इसमें मैंने यहाँ बटर लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे गार्लिक। थोड़ी सी लाल मिर्च, एक साबुत लाल मिर्च और गैस कर देंगे बंद। घी हमारा जो बटर है जलना नहीं चाहिए। का प्रिपेयर किया, आप इसको मैगी के ऊपर डाल देंगे। इससे मैगी में इतना अच्छा टेस्ट आएगा, ट्रस्ट मी, आप हमेशा ऐसी मैगी बना के खाओगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे।